साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है, ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है, लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं, आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं काम करता रहता हूं और आगे भी। एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। और जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो आज मैं फिर से, मैं इस देवभूमि से मेरा संकल्प भी दोहराऊंगा, क्योंकि संकल्प को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, संकल्प कभी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा, जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा। और इसलिए मेरा ये संकल्प है, भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा, उस हर भारतवासी कि समृद्धि कैसे बढ़े, भारतवासी की सुख शांति की जिंदगी कैसे मिले, उसी एक भाव से गरीब दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले लोग हो, पहाड़ी की चोटियों पर रहने वाले, छुटपुट रहने वाले का दो परिवार हो, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं उसको करता रहूं, इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। साथियों, हम सभी मिलकर भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का सपना आजादी के लिए मर मिट जाने वाले लोगों ने देखा था। आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत के बहुत उज्जवल भविष्य के विश्वास के साथ भारत की युवा शक्ति, भारत की नारी शक्ति, उस पर पूरा भरोसा रखते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं।